रायपुर के कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन के दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजनीति से संन्यास लेने की बात कहकर सबको चौंका दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में सोनिया गांधी के रिटायरमेंट की चर्चा शुरू हो गई। वहीं कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने साफ कर दिया कि सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद की बात कर रही थी, जो अब मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। कुमारी शैलजा के अलावा कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी सोनिया गांधी के रिटायरमेंट को लेकर बड़ा बयान दिया है। अलका लांबा ने दावा किया कि सोनिया गांधी ने खुद उन्हें अपना फ्यूचर प्लान बताया है। अधिवेशन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भविष्य में भी पार्टी को आशीर्वाद और मार्गदर्शन देती रहेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे 2 मिनट के लिए सोनिया गांधी जी के साथ बोलने का मौका मिला। मैडम की कल की टिप्पणी को राजनीति से संन्यास लेने के रूप में दिखाया जा रहा है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सोनिया जी ने मुझसे कहा है कि हमें भविष्य में उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आपके भाषण के बाद मीडिया में लगातार ये कहा गया कि आपने रिटायरमेंट लेने का जो है वो फैसला किया है। मुझे ये बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि मैडम ने हम सबको ये कहा है कि वे ना कभी रिटायर हुई थी ना कभी रिटायर होंगी, उनका आशीर्वाद उनका मार्गदर्शन हमारे साथ जैसे पिछले 2 दशकों से बना हुआ है यूं ही बना रहेगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने ये आज साफ किया है। और गौरतलब है शनिवार को सोनिया गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ उनकी यात्रा समाप्त हो रही है, जिसके बाद से ही उनके संन्यास की अटकलें तेज हो गई। हालांकि अब कांग्रेस नेता इस बयान पर सफाई दे रहे हैं। शनिवार को ही कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने कहा था कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट की बात कर रही थी, ना कि राजनीति से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।